हमारे माननीय दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब, हमारे तेज तर्रार नेता संजय निरुपम जी और मंच पर बैठे हुए हमारे सारे पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे सारे कार्यकर्ता गण और आप सब त्रिवेणी नगर के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खूब दिवस झाले संजय जी त्यांच्या क्षेत्रात आणि मी माझ्या क्षेत्रात नुसती सारखी सारखी ही जागा ती जागा ती जागा फिरून काढली आहे, पण कुठे काही विकास विकास दिसला नाही हो। दुःखाची गोष्ट आहे, कारण जेव्हा एका पार्टीला वरपासून खालपर्यंत इतका प्रचंड बहुमत मिळतं की बृहन्मुंबई पालिकेमध्ये त्यांचीच माणसं, स्टेटमध्ये त्यांचीच माणसं, अगदी केंद्रात सुद्धा त्यांचीच माणसं, तेव्हा इतका विकास कमी कसा होऊ शकतो हा प्रश्न तर प्रत्येक सुजाण नागरिकाला पडणार। मेरे साथियों, अब जबकि हमारा चुनाव सिर्फ कुछ दिनों पर आ चुका है, सोमवार को चुनाव है और आज हम ऑलरेडी शुक्रवार पर पहुंच चुके हैं, गुरुवार पर पहुंच चुके हैं, दिन कभी पता नहीं चल रहे। तो मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आप सब बेताब होंगे सिन्हा साहब का भाषण सुनने के लिए, लेकिन आज आप लोगों को मैं बहुत गंभीरता से सिर्फ एक चीज की याद दिलाना चाहती हूं। दोस्तों, जब स्वतंत्रता के बाद हमारे हाथ में हमारा देश आया और हमारे कई दिग्गज नेताओं ने उस देश को इतना वैभवशाली बनाया, तब जो नारे लगे और जो नारे हम में से हर किसी के दिल पर आज छपे हुए हैं, उसमें का एक नारा मैं आज बोलूंगी आधा, और वो नारा आप में से हर कोई मेरे साथ अगला हाफ बोलेगा, क्योंकि आप में से हर किसी के दिल पर वो नारा लिखा गया है। बताओ नारा क्या था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जवानों की तो याद बहुत आ रही है सबको, किसानों की याद किसे आ रही है? किसानों की याद है किसे? साढ़े चार पांच वर्षों में जितने किसानों ने अपनी जानें गंवाई है, उन किसानों की याद आज किसी को भी क्यों नहीं आ रही है? मैं समझती हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति को यह सवाल पूछना चाहिए, दूसरों को पूछने से पहले अपने आप को पूछना चाहिए, अपने अंदर के उस भारतीय व्यक्त को पूछना चाहिए, उस भारतीयता को पूछना चाहिए कि क्यों सिर्फ जवानों के नाम पर वोट मांगने वाले लोग किसानों से डरे हुए मारे मारे घूम रहे हैं। कि ये जो चुनाव है इसमें हमें तय करना है कि क्या हमें वो भारत चाहिए जिसमें सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सश श्यामला मातरम वंदे मातरम होगा, क्योंकि वो तभी होगा जब देश का हर एक व्यक्ति खुश होगा, आबाद होगा, खुशहाली भरी जिंदगी जिएगा। क्या आप लोग खुश हैं? क्या आप आबाद हैं? क्या आप सिर्फ बढ़ती महंगाई से, बढ़ते बेरोजगार से, इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आपके लिए यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई और ही एजेंडा लेकर बिजी हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस बार के चुनाव में पहले तो जरूर मतदान करने जाइए, और फिर बहनों रसोई संभालिए, और फिर मेरे भाइयों पूरा दिन जो है टीवी के सामने बैठ जाइए, लेकिन सबसे पहले मतदान, और मतदान उस पक्ष को जिसने हमेशा हर एक व्यक्ति को साथ में ले जाकर विकास की ओर जाने में यकीन किया है, ना कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज का विभागीकरण किया है, उन्हें बांटने का काम किया है। हमें बटा हुआ, छिला हुआ, असंतुष्ट भारत नहीं चाहिए, हमें इकट्ठा साथ चलने वाला, खुश रहने वाला, खुशहाल भारत चाहिए जो कि प्रोग्रेस की ओर, प्रगति की ओर बढ़े। मुझे लगता है मैंने फिर भी काफी सारी बातें कह ली है, मुझे लगता है हम सब खामोश होने का वक्त आ गया है, लेकिन 29 तारीख को मेरी बातें जरूर याद रखिए, याद रखिए, जय जवान लेकिन जय किसान भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।
बिल्कुल, बहुत जान है, बहुत ही जान है। अभी खामोश, थोड़ी बातें मैं भी कर दूं संक्षेप में। मैं खासकर अभी पटना बिहार से आ रहा हूं और सीधे हवाई अड्डे से इस कार्यक्रम के यहां आया हूं। इसके बाद वो प्रिया दत्त जी के कार्यक्रम में भी जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित तमाम नेतागणों को, एनसीपी के जिला अध्यक्ष जो स्मार्ट हैं उनको, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को, दुबे जी को, और जितने पदाधिकारी गण, नेतागण यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्तागण, तमाम लोगों को, और सबसे ज्यादा मैं श्रीमती जी को, आपके अपने प्रत्याशी जो आपके दावेदार हैं, संजय निरुपम, अवश्य विजय विजय भव के नारे के साथ मैं संजय निरुपम जी को, उनकी पत्नी को, और जो भी गुरुपुज जी ने जिस तरह से मेरा परिचय दिया उनको, और खासकर एक बहुत ही शानदार, दमदार, एक अभिनेत्री, कुशल अभिनेत्री, सुंदर अभिनेत्री, इतनी अच्छी अभिनेत्री जिसने आज सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में कदम रखा है, और राजनीति में जो कदम रखा है वो सबसे शानदार, सबसे पुरानी, सबसे जानदार ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो महात्मा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा दिया इन्होंने, जय जवान जय किसान, या साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर नेहरू गांधी परिवार से लेकर राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी रह चुकी है, ऐसी पार्टी में शरीक हुई है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपकी तरफ से, और बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उर्मिला मातोंडकर की, अभी भारतीय जनता पार्टी के और समाज के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन लोगों ने पालन पोषण किया, ये लोग हमें लेकर वहां गए, और मुझे लगता था कि देश की अस्मिता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश की गौरव गरिमा के साथ ये लोग कभी कभी भी समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए मैं उनके साथ चलता गया, बढ़ता गया, और आपके बीच भी कई बार उपस्थित होता गया। लेकिन अचानक देखा, और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जाने के बाद, कि ये लोकशाही जो है, ये लोकशाही तानाशाही में बदलने लगी, पार्टी का घेराव हो गया, कुछ लोगों ने पार्टी को घेर लिया, अपने हाथ में ले लिया। मेरी बात तो छोड़िए, भारत के महान पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी कैसे उन्होंने दरकिनारे किया आपने देखा होगा। मुरली मनोहर जोशी कहां है नजर नहीं आ रहे, इतने विद्वान आदमी, अरुण शौरी जैसा परम विद्वान आदमी, वो कहीं दिखाई नहीं देते। भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी कहीं नहीं मिलते। जो जोर जुल्म जाति की गाथा शुरू हुई वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी की वजह से, तो हमने कहा बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी जवाबदेही जनता की है, मैं जनता के द्वारा चुनकर आया हूं, और जनता के द्वारा चुनकर आया हूं तो जनता के साथ अगर कुछ ज्यादती होगी, गलत बात होगी, तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए कि हम सबों का यह मानना है, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कुछ नहीं। इसलिए हमने आवाज उठाई नोटबंदी के खिलाफ, पूरे देश में सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो हमने उठाई। हमने कहा नोटबंदी बहुत गलत हुआ है, इससे आपने त्राहिमाम स्थिति पैदा कर दी, इससे सारे खोंचे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे छोटे फैक्ट्री वाले, डेली वेजेस वाले, हमारे नौजवान जो बेकार होने लगे, और ये सब त्राहिमाम स्थिति देखी, लोगों को लाइन में लगता हुआ देखा, लाइन में लगकर तड़पता हुआ देखा अपने पैसों के लिए, लोग आत्महत्या करने लगे, जैसे हमारे किसान पहले ही इतने आत्महत्या कर चुके जिनका उर्मिला जी जिक्र कर रही थी, लोग जब मरने लगे, मैंने कहा यह गलत बात है, ये सही नहीं है,
उन्होंने कहा आप तो खिलाफत कर रहे हैं, आप खिलाफत कर रहे हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, पार्टी का फैसला आप क्यों बदल रहे हैं। हमने कहा ये पार्टी का फैसला नहीं है, अगर पार्टी का फैसला होता अडवाणी जी को मालूम होता, मुरली मनोहर जोशी को मालूम होता, यशवंत सिन्हा को मालूम होता, अरुण शौरी को मालूम होता, मुझे ये मालूम होता। यहां तक लोग कहते हैं नोटबंदी का फैसला तो भारत के वित्त मंत्री को भी पता नहीं था, हमारे दोस्त अरुण जेटली को अचानक रात में तुगलकी फरमान। उसके बाद अभी वो मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि तब तक इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी ला दिया, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी ला दिया, यानी अभी तक जिसके 367 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आपने देखा हो कैसे सूरत से लेकर दुनिया जहान में कैसे लोग बाहर सड़कों पे आ गए, कैसे आंदोलन किया, यानी एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ जीएसटी, नीम पे करेला। हमने कहा कि यह गलत बात है, उन्होंने कहा बगावत कर रहे हैं, हमने कहा अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मेरी जिम्मेदारी जवाबदेही, इसीलिए जब मुझे निमंत्रण आया और खासकर हमारे कांग्रेस परिवार के अपने मित्रगण और विशेषकर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल युवा शक्ति का प्रतीक, देश की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक राहुल गांधी ने जब निमंत्रण दिया, यही सरकार है मुख्य धारा की, यही नेशनल पार्टी है, यही महात्मा गांधी से लेकर बाकी तमाम बड़े बड़े महारथियों की पार्टी है, आप इसमें आइए। और राहुल गांधी ने जो कहा करके दिखाया, जो करते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 3 स्टेट में जैसे ही हमारी सरकार आई 10 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर में 3 स्टेट में सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 1 साल अध्यक्ष बनने के अंदर 3 बड़े बड़े राज्यों को हासिल किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ऐसा अद्भुत वातावरण पहले कभी नहीं पैदा हुआ था। इसलिए आज लोगों में घबराहट हो गई है, लोगों में बखलाहट हो गई है, उनको तरह तरह के नाम से लोग पुकारने लगे, कुछ फैकू लोग उनको पप्पू कहने लगे, लेकिन अब पता चल गया है पप्पू कौन है और फैकू कौन है, ये पता चल गया है। अभी एक बात और कह दूं, ये फूड फॉर थॉट, मानसिक आहार दे रहा हूं, कि अभी अभी इतना बढ़िया योजना आजादी के बाद शायद इतना बढ़िया योजना कभी नहीं आई होगी जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने घोषणा किया अपने ब्रिलियंट टीम के साथ मिलकर, संजय निरुपम जैसे बड़े बड़े दबंग और विद्वान लोगों के साथ मिलकर उन्होंने फैसला किया न्याय योजना, यानी गरीब परिवारों को, खासकर बिलो पॉवर्टी लाइंस को, हर साल करीब करीब 20-25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपये सालाना मिलेंगे। इस पे वो तिलमिला गए, नया व्यापारी नया बिजनेस करेंगे तो 3 साल तक कहीं कोई रेड टिपिज्म नहीं, किसी कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं, आप आगे बढ़िए, व्यवसाय आगे बढ़ाइए, इस पे वो तिलमिला गए। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये ढकोसला है। हमने कहा बहुत अच्छे, आप जितनी घोषणाएं करो और उसका पालन ना करो, चाहे 15 लाख का वायदा हो, चाहे रोजगार देने का वायदा हो, चाहे स्मार्ट सिटी देने का वायदा हो, कितने स्मार्ट सिटी का एक नहीं आए सामने, आप जो वायदा करो पूरे ना करो वो बिल्कुल रासलीला है। और राहुल गांधी और उनकी टीम जो वायदा करें वो कैरेक्टर ढीला, ऐसे कहां से होगा दद्दा, ऐसे कहां से होगा। इन बातों को सोचने की आवश्यकता है।